सर्च कर सकें। अब हमारी कॉलोनी में कोई चलने लायक रास्ता नहीं है। यहाँ की समस्याएं तो बहुत ही है, सब वोट देने सब आ जाते हैं। सड़कें कच्चियाँ जो कई सालों से बनी ही नहीं है। बिल्कुल धमाकेदार एंट्री कांग्रेस करेगी जैसे पंजाब में किया। कुटिल की राजनीति है उसको छोड़ करके लोगों का थोड़ा दुख दर्द कम कर। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है और प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है, जहां प्रत्याशी वार्ड की जनता से मिलकर हर संभव अपना संपर्क बनाने में लगे हैं, जिससे इस संपर्क को वोटों में तब्दील किया जा सके। कुछ ऐसा ही नजारा था साध नगर वार्ड नंबर 53 एस में, जहां स्वराज इंडिया की महिला प्रत्याशी रेखा यादव भी रोजाना अलग अलग कॉलोनियों में सैकड़ों महिलाओं के साथ पदयात्रा और जनसंपर्क करते हुए देखी जा रही हैं। यह इलाके की महिलाएं भी अपने घरों से बाहर निकलकर स्वराज इंडिया की प्रत्याशी रेखा यादव का समर्थन कर रही हैं और इलाके की समस्याओं का समाधान करने का विकल्प स्वराज इंडिया व उनकी प्रत्याशी रेखा यादव को मान रही है। सर जो हमने सुबह सुबह अपनी डोर टू डोर जो शुरुआत की है उसके लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त समस्या है पानी की और सीवरेज की। प्राइवेट सीवरेज साफ होते हैं हर घर से, हर चाहे फ्लैट होते घर में तीन चार किराएदार हों जैसे भी हैं उनके अपनी समस्या है कि हर घर से 50 रुपये पे करके प्राइवेट उससे साफ सफाई हो रही है। ये पीछे अपना पार्क है इसमें ना कोई घूमने की है ना बच्चों को खेलने की जो समस्या है। यहाँ पर हमने जो समस्याएँ सुनी है उसके बारे में हम अपना गहन अपना जो अपना है यहाँ का जो उस काम के लिए भरपूर सहयोग करेंगे। जैसे हमें ये मौका मिलेगा उसके लिए काम के लिए तैयार हैं। भी कहना चाहूँगी कि हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं, न कि हम किसी दिखावे या छलावे के भ्रम में उसमें जो पब्लिक को भ्रम में फैला रहे हैं कि इतना ढोल नगाड़े के साथ में या वैसे दिखावा जो कर रहे हैं उसके मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं ज़मीन से जुड़े लोगों के साथ में यहाँ मिल के और अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रचार डोर टू डोर कर रही हूँ। सर बहुत भारी बहुमत के साथ में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है योगेंद्र यादव जी के नाम से भी और मेरा जो अपना यहाँ का जो पहले का जो काम है और जितना भी मैं अपना जो क्षेत्रवासियों की जो समस्या डोर टू डोर जो कवर कर रही हूँ। बाकी लोगों का काफ़ी लोगों का जैसे कहना है कि भाई लोग हाथ जोड़ के माला फूल माला पहन के निकल जाते हैं, जो आप घर जो आके हमसे दो दो मिनट बात कर रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा अच्छा। नाम हमारा गीता शुक्ला है और वार्ड नंबर S53 है। सर हमारी ये समस्या है कि हमारे रोड कच्ची है, सीवर कच्चे हैं और पानी की तो बहुत ही समस्या है क्योंकि हमारी गलियों में पानी नहीं आता, गली नंबर 24 में लास्ट में है। सर हमारे तो यही समस्या है, कभी दवाई छिड़कने वाला नहीं आता, कोई पार्क गंदगी बहुत रहती है, सफाई के सीवर साफ नहीं होते, पार्क के पास में बहुत गंदगी बची रहती है। सर हम ऐसा प्रत्याशी लाना चाहते हैं जो कि हमारी सारी समस्याओं का निवारण कर सके और जो भी काम है अच्छे ढंग से कर सके, इसलिए हम इनके साथ हैं। मेरा नाम सुनीता राठी है। ये लाइन समस्या है यहाँ पे, एक तो पानी की समस्या भी है, पानी की लाइन है लेकिन पानी नहीं आता। दूसरी समस्या है सीवर डले लेकिन कच्चे डले हैं यहाँ और सीवर को साफ करने वाला कोई नहीं आता। और हम चाहते हैं कि अब की बार हमारी गली में ऐसा उम्मीदवार हो कि हम मतलब हमारी जो भी समस्या है उनका समाधान करें और अब की बार हम रेखा यादव को भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं और हमारी आशा है कि वो पूरी बहुमत से जीते। हालांकि सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार अपने इलाकों में रैलियां व पदयात्रा कर जनता से संपर्क साधने में लगे हैं और अधिक से अधिक वोट बैंक बनाने में जुटे हैं, पर जनता किस पर मेहरबान होगी ये आने वाली 23 तारीख को ही पता चलेगा।